नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानी। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई राम के रंग में रंगा हुआ महसूस कर रहा है। इसी कड़ी में मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी ने दावा किया है कि सनातन धर्म और इस्लाम में कोई अंतर नहीं है। राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज कहते हैं अहले हिंद, जिन्हें हिंद का इमाम। आज लोगों को रामचंद्र जी की हवा भी नहीं लगी है। निरंतर परंपरा जो सीधे स्वर्ग से आसमान से पृथ्वी पर आया, उसी को कहते हैं सनातन। जो आदिकाल से अनादिकाल तक बाकी रहे, उसी का नाम है सनातन। अगर लोग सनातन धर्म को अपना लें तो सनातन धर्म में और इस्लाम धर्म में कोई अंतर नहीं है। कार्यक्रम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। चूँकि ये कवि ने कहा हुआ है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज कहते हैं अहले हिंद, जिन्हें हिंद का इमाम। कितनी सुंदर बात कही। रामचंद्र जी की जीवनी और आप का सरल स्वभाव और आपकी हर चीज़ इतनी सुंदर थी कि उसको अपनाना जो राम में आस्था रखता है उसके लिए ज़रूरी है और बहुत कंपलसरी है। आज लोगों को रामचंद्र जी की हवा भी नहीं लगी है। कितना बड़ा इम्तिहान उनके सामने आया कि राजमहल को छोड़ के और 14 साल के वनवास जाना, कितनी बड़ी तपस्या थी। मगर बखुशी उन्होंने कबूल किया, एक लफ्ज़ भी अपनी ज़बान से नहीं कहा, पिता के वचन को पूरा करने के लिए राजमहल छोड़ के जंगल में चले गए और सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और कभी कोई शिकायत नहीं की। कितने बड़े बड़े हादसे हुए और फिर ऊपर वाले ने उनको उन्हीं के स्थान पर फिर पहुँचाया और आज पूरी दुनिया उनको देखने के लिए जो है वो इंतज़ार में बैठी है। तो ये उनकी कुर्बानी और उनकी जो नेक नियति थी, उनका स्वभाव था, उनका आचरण था, उसी ने तो उनको इतनी बुलंदी भी पहुँचाया। आपने श्री राम की बात करी और आप कहते हैं कि आपने सभी वेद पुराण और सभी धार्मिक किताबों का पढ़ाई करी, उसका विश्लेषण किया, तो क्या और भी धर्म जो हैं उसमें भी राम का जिक्र है या कैसे और भी जगह आपने जो पढ़ा? और धर्मों में राम को किस रूप में दर्शाया गया ये बहुत ज़्यादा हमें डिटेल तो नहीं मालूम, मगर हमारी जहाँ तक पहुँच थी, जहाँ तक हमने वो किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो पिता थे वो भी अधर्मी नहीं थे, राजा दशरथ, वो भी किसी धर्म का पालन करते थे और राम तो उनके पुत्र हैं। तो इससे पहले भी कोई चीज़ थी जो ओरिजिनल चीज़ शुरू से चली आ रही, जिसको कहते हैं सत्य सनातन, उसको अपनाना चाहिए। सनातन क्या है आप लोग बताएंगे? आप लोग सब ज्ञानी पुरुष खड़े हैं माशाल्लाह, क्या कहेंगे? सनातन किसको कहते हैं? निरंतर परंपरा जो सीधे स्वर्ग से आसमान से पृथ्वी पर आया, उसी को कहते हैं सनातन। जो आदिकाल से अनादिकाल तक बाकी रहे, उसी का नाम है सनातन। प्राचीन से प्राचीन, नूतन से नूतन, इसी को अरबी में कहा गया दीन कय्यम, वो जो हमेशा से कायम और हमेशा कायम रहेगा, दीन कय्यम। अगर लोग सनातन धर्म को अपना लें तो सनातन धर्म में और इस्लाम धर्म में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल निरंतर और पैरेलल है। आप देखिए, हज करने जाते हैं दो बगैर सिले कपड़े पहनते हैं, क्यों? जब भी टेलर सिलेगा तो जब उसमें सुई में धागा डालेगा तो मुंह में पहले डालेगा। इसलिए प्राचीन काल से चला रहा है, जो भी धार्मिक लोग धर्म की पावन स्थलों का दर्शन करने जाएंगे वो दो, एक नीचे लुंगी बांध लेंगे बगैर सिलावा, एक ऊपर से चादर, ये दो सच सुंदर कपड़े पहनेंगे, उसमें किसी का थूक भी नहीं लगा होगा, हाथ लगना तो बहुत दूर की बात है। ये तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? अभी तो मक्का में जाते हैं, दो चादरें होते हैं, एक नीचे बांधते हैं, एक ऊपर ओढ़ते हैं। ये अद्भुत परंपरा सनातन की, ये सनातन ही की है, ये सनातन ही की देन है जो ये सारी चीज़ें हैं।
बिल्किस बानो गैंग रेप मामले में रविवार की देर रात को 11 दोषियों ने गोधरा जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। बीते 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस से गैंग रेप के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। साथ ही सभी दोषियों को 21 जनवरी तक सरेंडर करने को कहा था। UNGA के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 22 जनवरी को नई दिल्ली पहुंचे। वे भारत की प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए 5 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र की स्थायी प्रतिनिधि रुचुरिया कंबोज ने उनका स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान UNGA अध्यक्ष जयपुर और मुंबई का भी दौरा करेंगे। डेनिस फ्रांसिस विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी राम मंदिर का जश्न मनाया जा रहा है। इस अवसर पर न्यू जर्सी के मॉनरो स्थित ओम साई बालाजी मंदिर और संस्कृति केंद्र में भगवान हनुमान की 25 फीट लंबी एक विशाल मूर्ति पहुंची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि उन्हें असम के नगांव स्थित शंकरदेव मंदिर में जाने से रोका गया है। नगांव में बोदोरवा थान वो धर्म स्थल है जिसे असम में संत शंकरदेव का जन्म स्थान माना जाता है। बोदोरवा थान मंदिर को शंकरदेव मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। राहुल गांधी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन शंकरदेव मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहते थे। हमें इनवाइट किया गया, हमें वहाँ इनवाइट किया गया। हम एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते, क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ छोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। मेरे रास्ते में इनवाइट किया है, बट ये अलाउ नहीं कर रहे। बुला लीजिए उनको, बस यही रखिए। नहीं, अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। हाजिरी में हम देख रहे हैं, थानों में मंदिरों में गए। राहुल जी, कल हमला भी हुआ आपके काफिले पर, प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई हुई, और आज जिस तरीके से परमिशन नहीं दी जा रही है, इससे पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? पता नहीं। पूरी यात्रा भारत जोड़ो पार्ट वन जो हुई, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ जो जा रहा है? ये आप इनसे पूछिए भैया, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो यस सर, माजो जो मीडिया का आपको काम आ जाता है। यस सर, व्हाट यू हैव टू से ऑन द गवर्नमेंट? यस सर, फ्रॉम अटेंडिंग इवन नो, आई वाज इनवाइटेड देयर, दे सेंट मी एन इनविटेशन। ए अकमन, आई वांट टू गो देयर। ये मेजिस्ट्रेट आ रहा है, मंदिर को हर कोई जा सकता है। मंदिर साइड साइड देखिए, पूछिए गवर्नमेंट एंड मोदी जी ने थोड़ा साथ दे दीजिए। एडीसी साहब आ रहे हैं ना? अरे रास्ता तो खुल ही दिया, एडीसी आई ऐसे ना रास्ता मानो उलिया दिया, एडीसी साहब आई ऐसे सर, रास्ता तो उलिया दिया, फिर एडीसी आई ऐसे। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में अपनी वापसी के लिए बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने पार्टी दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री रहे दिवंगत YS राजशेखर रेड्डी की बेटी को प्रदेश कमान सौंपी है। YS शर्मिला ने रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की शपथ ली। इसराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है। मरने वालों के आंकड़े 25,000 के ऊपर जा चुके हैं। इस सब के बीच इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास के जरिए पेश किया प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। हमास ने न्यूहांतून के सामने प्रस्ताव रखा था कि इजरायली सेना को वापस लिया जाए और जंग को खत्म किया जाए, इसके बाद वे कैदियों को रिहा कर देंगे। रामलला अपने घर में विराजे हैं। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यजमान के रूप में पूजा की। समारोह के बाद प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित किया। अयोध्या में जगह जगह रामलीलाएं, भागवत कथाएं, भजन संध्याएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। रामनगरी को फूलों से सजाया गया है।
पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को बड़ा झटका लगा है। वे इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों के टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मैचों से बाहर हो गए हैं, यानी वो शुरुआती 2 मैच नहीं खेलेंगे। इस बात की जानकारी खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दी है। उत्तर भारत में इस समय मौसम सर्द बना हुआ है। दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंड से राहत नहीं मिल रही। ऐसे में गर्म कपड़ों से लोगों को राहत मिल रही है। पिछले हफ्ते की बात करें तो घने कोहरे के बीच दृश्यता भी काफी कम रही। मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि आने वाले दिनों में कई जिलों में घने कोहरे के मद्देनजर इस दौरान दृश्यता में भी कमी देखने को मिल सकती है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।